कांग्रेस ये आपका सेवक, आपका भाई, आपका दोस्त, ये दोस्त, हमें आपकी पीड़ा है। अतिथि शिक्षकों का सम्मान करना हमारा दायित्व है और आपके लिए ही सिंधिया जी सड़कों पे उतरे थे। और मेरा ये कहना है उनका साथ दो, मनोबल बढ़ाओ। अभी सरकार जाने के बाद कोरोना वायरस की स्थिति तुमने देख रहे हो, परेश चुनाव है, आपकी जो मांगे हैं जुनाइन, जो हक है, उसके लिए आपकी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और हम सब मिलकर के भावनाओं का सम्मान करेंगे। आप गांधीवादी तरीके से जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, करने का अधिकार है आपको। हम आपका तपती धूप में मैं चाहूंगा कि आप लोग ना बैठे, छाई में बैठे। दीदी बोलेंगी सब बोलेंगे। मैं भी तुम्हारी तरह सड़क पे हूँ, तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान का परिवार का बेटा हूँ। मैं तकलीफ को समझता हूँ, ये समझ लो, और आपकी आवाज को सही तरीके से कैबिनेट में मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, ये भरोसा तुम रखो। मेरे कोई जिंदाबाद नहीं, जिंदाबाद आपकी होगी, उसमें मेरी जिंदाबाद है। आप संयम से अपनी बात रखेंगे, पहले मंत्री जी की बात तो सुन लो शांति से, उसके बाद पुलिस वालों के यहाँ से हमारी बात है। हम आदरणीय महाराज साहब से मिलना चाहते हैं, बस हम उनसे मिलके और उनके हाथ में बस मैं अभी उनसे बात कर लूँ। अभी तो एक मंत्री जी है।